इकोनॉमिक्स से आया था कि मनमोहन सिंह को कौन से अभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र का फेमस नृत्य बताओ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा 6 मार्च है और एसएससी जीडी पहली शिफ्ट का पेपर छूट गया है, तो भाई पेपर देकर आए, इनसे जानते कैसा रहा, क्या कैसी थी? जीके इजी थी और थोड़े करंट से क्वेश्चन पूछे थे उन लोगों ने। इतिहास में क्या प्रश्न दिखा? इतिहास से क्या पूछा? इतिहास में आपके मौर्य सम्राट से कि किसने ज़्यादा शिलालेख बनाए हैं, तो उसका अशोक था और मतलब ऑप्शन में आए थे चंद्रगुप्त, लेकिन उसका सही ऑप्शन अशोक था। योजनाओं से क्या बता रहे हैं आप? योजनाओं में आया था एक महात्मा गांधी 100 दिन गारंटी योजना पूछा था, और इकोनॉमिक्स से आया था कि मनमोहन सिंह को कौन से अभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नृत्य से क्या पूछ रहे हैं? किससे? नृत्य में महाराष्ट्र में ये जो नृत्य होता है कौन सा फेमस नृत्य है? वो एक ही हाँ। और इसके बाद एक भाई अवार्ड से क्या, वो मनमोहन को कौन सा अवार्ड मिला है ना? हाँ। और एक एक लड़की का आया था कि अभी अभी किसी को बॉल वगैरह में कुछ भी मिला है, लड़की का नाम आया था, क्रिकेट से संबंधित था, उसका क्रिकेट खिलाड़ी है कौन सी है उसका नाम पूछा था। क्लियर कर। त्योहार वगैरह से कुछ है क्या? त्योहार से नहीं था। करंट में क्रिकेट वगैरह से एक ही था ना? हाँ। क्रिकेट भी नहीं था और कुछ था, बास्केटबॉल तो नहीं था? बास्केटबॉल था। वो खिलाड़ियों के नाम पूछ लेते हैं आपके, जो भी खिलाड़ी खेलते हैं। त्योहार वगैरह से कुछ आ रहा है? त्योहार कुछ नहीं आ रहा है, त्योहार से कुछ नहीं आ रहा। और मैथ में ये बताओ, नंबर सिस्टम से कितने प्रश्न थे? नंबर सिस्टम से नहीं था, लेकिन उसमें 1% से था, 1-2 SI से था, और आपका रेशियो से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन पूछे थे उसने, रेशियो से थे। और LCM से नहीं था, और आपका एक मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन था, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन था उसके अंदर। टाइम एंड वर्क के दो तीन क्वेश्चन देखे। रेशियो से सबसे ज्यादा 4 प्रश्न थे। हाँ, रेशियो से 4 क्वेश्चन मिले। एडवांस मैथ में क्या पूछ रहे हैं? एडवांस में कुछ नहीं, एक केवल त्रिज्या का एक क्वेश्चन मिला था बस। हाँ, एडवांस में कुछ नहीं है आपका, यही है। इसके बाद अपना ये रीजनिंग में सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक? रीजनिंग में आपका आकृति वाला मिल गया था। आकृति से कितने थे? कोडिंग डिकोडिंग आकृति में समथिंग 3 क्वेश्चन देखे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन उसके देखे। नंबर सीरीज हाँ, वो नंबर सीरीज है। 7 लड़के बैठे हैं, क्वेश्चन मिले थे। एक 7 लड़कों वाला मिला था, एक लड़कियों वाला मिला था, और 7 लड़के लड़की बैठे सेटिंग अरेंजमेंट से। हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट, एक रिलेशन से देखने मिला था। डायरेक्शन से भी कुछ था क्या? डायरेक्शन से नहीं था। कथन निष्कर्ष कहाँ देखा था? एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष था, कथन निष्कर्ष का एक मैथ में भी पूछा था, जो आपका ब्याज के ऊपर था, साधारण ब्याज से था। प्रैक्टिस आ रही है? डाइस पांसा वगैरह कुछ नहीं? डाइस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है वैसे। पेपर कटिंग से कुछ था? फोल्डिंग वगैरह? हाँ, पेपर कटिंग से था, लग रहा है नॉर्मल पेपर था ऐसा। हाँ, पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन दिखा है आए और ना हुआ। और हिंदी में सबसे ज्यादा क्या था? हिंदी में आपका लोकोक्ति मुहावरे और सही कथन आपको छांटना था, और जिसमें मात्राएं वगैरह थी वो सब आया था बस। पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं क्या? पर्यायवाची आपका आया था, विलोम शब्द आए थे, 2-3 विलोम शब्द दिखे, 2 पर्यायवाची लोकोक्ति दिखी। भाववाचक संज्ञा से कुछ देखा? भाववाचक संज्ञा नहीं, भाववाचक से नहीं देखा वैसे कुछ नहीं देखा। और क्रिया विशेषक भी वैसे वैसे ग्रामर से कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं आया। संधि आपने नहीं, नॉर्मल ही था। एक पैराग्राफ देखा था जिसके आपके 4 क्वेश्चन उसी के उसी में से सॉल्व करने थे, वो इतना इजी था कि विदाउट पढ़े आप उसका देख। जैसे स्वच्छता में हम लोगों को जागरूक करना चाहिए, तो उसमें जागरूक बनना था, तो बिना देखे ही भर सकते हैं कोई भी। लेट था, कितने बजे स्टार्ट हुआ था? समथिंग जैसे 10 बजे हुआ था। थोड़ा सर्वर का इशू था, तो उन लोगों ने बाद में बताया कि सर्वर का इशू चल रहा है, लेकिन टाइम बाकायदा आपको मिल रहा है। हमारा टाइम था 9 से 10, लेकिन डाउन कब हुआ? पेपर स्टार्ट होने से पहले के उसके बाद? वो तो पहले ही था। थोड़ा पेपर का जो टाइम था 9 बजे से 10 बजे तक, उसमें थोड़ा सा इश्यू हो गया, तो 30 मिनट लेट हो गया था, लेकिन टाइम वो लोग पूरा दे रहे हैं आप। 9:30 से पेपर स्टार्ट हुआ था। हाँ, 9:30 बता दिया आपको टाइमिंग, बाकायदा पूरा मिलेगा। 1 घंटा था, तो 1 घंटा ही मिला हमें। जब भी स्टार्ट होगा आपको 1 घंटा मिलेगा, उसमें कोई टाइम का वो नहीं है। ठीक है भाई, पेपर कैसा था सबसे पहले बताओ। पेपर देखो, पढ़ने वालों के लिए कुछ ऐसा कठिन नहीं था। हाँ। लेकिन पेपर नॉर्मली आ रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल भी कुछ कठिन नहीं आ रहा। इतिहास से कोई प्रश्न देखने को मिला? हिस्ट्री से चंद्रगुप्त वो था, शिलालेख सबसे ज्यादा किसने मतलब बनवाए थे? अच्छा, तो ये अशोक थे। संविधान से क्या पूछ रहे हैं? संविधान से ये अपना असमानता वाला था, ये धन ये जो था ना, पैसों की असमानता को किस में व्यवस्था की गई है? चा, 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 तो एक वो था, उसमें ऑप्शन हम करके आए। शास्त्रीय नृत्य से क्या पूछा? नृत्य में महाराष्ट्र का फेमस नृत्य बताओ। ऑप्शन याद नहीं आ रहा। महाराष्ट्र का फेमस नृत्य कौन सा था? वो सब आ रहा है। करंट अफेयर में क्या क्या पूछ रहे हैं? करंट का मुझे फिलहाल में याद नहीं था। खेल से एक बता रहे थे आप, कौन सा? मैं ये जो अपना खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? और इसके बाद अपना अर्थव्यवस्था से कुछ था? इकोनॉमिक्स से अर्थव्यवस्था ये था, मनमोहन सिंह जी को कौन सा वोट दिया गया है, ये अर्थव्यवस्था पैसे उनको। हाँ, तो जो था ऑप्शन में करके आए। त्योहार वगैरह से कुछ है?
त्यौहार वगैरह से अभी तो ऐसा कुछ लेखक बुक से कुछ हो नहीं है, लेखक से भी नहीं आया। भूगोल देखा प्रश्न देखा क्या? भूगोल भी नहीं देखा। इसके बाद मैथ में कौन कौन से टॉपिक थे? मैथ में सीआई और एसआई। सीआई नहीं, एसआई से था। परसेंटेज से नहीं, परसेंटेज से था। हाँ, नहीं लाभ थे और चक्रवर्ती ब्याज भी था। टाइम एंड वर्क था। हाँ, रीजनिंग में? रीजनिंग में ये था, आकृति वाले थे, आकृति वाले। नॉर्मल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आ रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बच्चे हल ना कर सकें। हिंदी में क्या क्या था? हिंदी में मुहावरे आ रहे हैं, हिंदी में लोक और हाँ लोकोक्ति थी, और हिंदी में अपने गद्यांश पद्यांश आ रहे हैं। उसमें से जो मिस वर्ड रहते हैं इसमें लिखना होता है अपन को कि अब क्या आएगा, खालिस्तान कर देते हैं, फिर बोलते हैं क्या आएगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।